सभी का इस सेशन में स्वागत है सभी को नमस्ते नमस्ते गोपाल भैया दीदी आवाज आ रही मेरी जी भैया आ रही है तो सभी को नमस्ते सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन सुबह के अभ्यास सत्र में तो एक बार मैं ब्रीफली स्टेप्स रख देता हूँ फिर हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर कर लेंगे सो so बेसिकली हम लोग कॉन्शियसनेस को देखने का अभ्यास कर रहे हैं चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और ये अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो सुख दुख है कंफर्टेबिलिटी अनकम्फर्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ये सब हमारी कॉन्शियसनेस में है तो इसलिए कॉन्शियसनेस को देखने का हम लोग काम कर रहे हैं और देखते समय हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं किसी भी चीज को छेड़ नहीं रहे रोक नहीं रहे हैं। इतने ध्यान से हम लोग ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं तो हम लोग ने यहाँ से शुरू किया था कि शुरू में जो भी दिख रहा है उसको वहीं से शुरू करेंगे लेकिन जैसे जैसे हम देखने का अभ्यास आगे बढ़ाएंगे तो हमारे देखने की डेप्थ बढ़ेगी और जैसे जैसे देखने की डर बढ़ेगी हम कल्पनाशीलता में चलने वाले सूक्ष्म क्रियाओं विचार विचार के देखेंगे और भी जो सूक्ष्म है वो है भाव तो भाव तक हम जब पहुंच पाएंगे तो वहाँ ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएंगे क्योंकि विचार में जो बहुत सारा फैल रहा है वो भाव से ही ओरिजिन हो रहा है भाव ही उसका रूट है इसलिए हम लोग अपनी तो सूक्ष्मता इस की डेप्थ बढ़ा रहे हैं देखने की डेप्थ बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं को देखना शुरू कर लें और हम देख सकते हैं क्योंकि देखने का पोटेंशियल है और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो भी मेरे में ही तो भाव भी मेरे में ही है विचार भी मेरे में ही है आशा भी मेरी नहीं है तो देखने का पोटेंशियल भी है और जिसको हम देखना चाह रहे हैं वस्तु को वो भी मेरे में ही क्रियाओं के रूप में बना हुआ है लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इसका प्रतिक्रिया नहीं करना है उसको रोकना नहीं है बदलने का प्रयास नहीं करना है जैसा चल रहा है वैसा ही देखना है जैसा चल रहा है उसको चलने देना है जो हो रहा है उसको होने देना है सिर्फ देखना है स्टेप वन में हम इतनी बात कर रहे हैं इतने के साथ हम लोग इस बात पर जा रहे हैं कि ये जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ये सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है सरल इसलिए है क्योंकि कल्पनाशीलता निरंतर चल रही है देखने की क्षमता मुझमें पहले से ही है बस देखने का निर्णय लेना। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस क्षण में मेरा जो सुख दुख है मेरे जो भाव विचार पर निर्भर करता है मेरी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है इसलिए उसको देखना एक महत्वपूर्ण काम है तो जब देखना कह रहे हैं तो जब अन्यथा भाव चल रहा है तभी देखना नहीं कह रहा मैं दुखी हूँ तब मैं देखना चालू कर रहा हूँ ये, ये नहीं कह रहे चाहे मैं सुखी हूँ चाहे मैं दुखी हूं चाहे मुझमें स्नेह का भाव चल रहा है चाहे मुझमें विरोध का भाव चल रहा है जो भी भाव चल रहा है उसको मुझे देखना है जनरली हम इसमें शिफ्ट ना हो जाए कि देखने का काम कंटिन्यूस करना है चाहे चाहे मैं कंफर्टेबल नहीं चाहे मुझ में स्नेह का भाव चल है चाहे द्वेष का भाव चला है चाहे समझ का चलाए चला चला देखना हमको है देखने की सूक्ष्मता बढ़ाना नहीं तो क्या होगा जैसे ही कुछ अनुकूल होगा मैं बाहर हो जाऊंगा जैसे ही प्रतिकूल होगा मैं ये सोचने लगूंगा स्टेप वन क्या स्टेप टू क्या स्टेप थ्री क्या तो हर पल ये अभ्यास बना के रखेंगे तो हमारी देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी और जब सूक्ष्मता बढ़ेगी तो भी मैं ठीक ठीक भाव तक पहुंच पाऊंगा विचार के पीछे जो भाव है उस तक पहुंच पाऊंगा तो इस तरह से हम लोग स्टेप वन को कर रहे हैं और इस स्टेप वन के साथ हम लोग टू और थ्री में मूल्यांकन कर रहे हैं भाव का तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है जो भी चल रहा है मेरे में जो चल रहा है ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं और ये सब करते हुए कोई प्रतिक्रिया हम लोग नहीं कर रहे हैं और फिर से ध्यान में दिला देता हूँ कि सही चल रहा है तो भी ये प्रश्न पूछना है सही नहीं चल रहा है तो भी ये प्रश्न पूछना है तो इस बात को हम लोग बार बार ध्यान रखेंगे कि परेशान है तभी नहीं पूछना है अपने से ये कि ये भाव मुझे सही स्वीकार है कि नहीं स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं अगर हमको लग रहा है सही है मैं कंफर्टेबल हूँ तब भी हमको अपने में ये देखना है ये जो कंफर्टेबिलिटी है इस विचार के पीछे भाव क्या है और ये जो भाव है ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं तो इस तरह से हम लोग सजग रहने का अभ्यास कर रहे हैं और बिना मूल्यांकन किए बिना प्रतिक्रिया किए स्टेप वन टू को निरंतरता में कर रहे हैं और ये करते हुए हम लोग थ्री को भी ले रहे हैं स्टेप थ्री को भी और उसमें अब सिंपल पूछ रहे हैं कि मैं स्वयं में आराम में हूं या परेशान में हूं संगीत में हूं अंतर्विरोध में हूं तो टू और थ्री को देखेंगे तो अपने भाव तो मूल्यांकन ही कि मैं परेशान हूं कर आराम में संगीत हूं संगीत में हूं अंतर्विरोध में हूं इसके साथ हम लोग स्टेप फोर में आ रहे हैं और स्टेप फोर में अब ये बात कर रहे हैं कि हम हमारे में जो भाव विचार चल रहा है इसका निर्णय कौन ले रहा है कौन लेता है इसका निर्णय बाहर की स्थिति परिस्थिति कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं और ये स्टेप इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर बाहर की स्थिति परिस्थिति निर्णय ले रही है तो मेरा ध्यान बाहर की स्थिति परिस्थिति को ठीक करने में लग जाएगा दूसरा व्यक्ति निर्णय ले रहा है मेरे में तो मैं दूसरे व्यक्ति को ठीक करने में लग जाऊंगा मैं स्वयं ही ले रहा हूं निर्णय तो फिर मैं स्वयं में काम करना शुरू करूंगा इस दृष्टि से देखेंगे तो ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय कौन लेता है तो हम लोग देख पाएंगे और देख भी पा रहे होंगे कि अपने भाव विचार का निर्णय तो हम ही ले रहे हैं अगर ये क्लियर हो जाए कि अपने भाव विचार का निर्णय मैं ही ले रहा हूँ अपने निर्णय के आधार पर ही मेरे भाव विचार बन रहे हैं उसी से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ और ये निर्णय हंड्रेड परसेंट मेरी ही जिम्मेदारी है इतना अगर क्लियर हो जाए फिर हम लोग इस बात को कर रहे हैं स्टेप फाइव में कि मैं निरंतर सुखपूर्व जीना चाहता हूँ शक्ति पूर्वक जीना चाहता हूँ फिर ये निर्णय अन्यथा क्यों जा रहे हैं स्टेप फाइव में हमको इस बात का आंसर मिल रहा है कि निर्णय अन्यथा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमारे निर्णय में मान्यताएं भी आ जाती है तो मान्यताओं के आधार पर भी हम निर्णय लेने ले लगते हैं तो मान्यताएं अगर सही समझ के अभाव में तो निर्णय गलत हो जाते हैं भाव आ जाता है मान्यताएं अगर सही समझ के साथ है तो भाव विचार सही बना रहता है तो जो अपने में अनिश्चितता दिखती है है ना मैं चाहता कुछ और निर्णय किसी और अर्थ में ले देता हूँ इसका रूट कॉज मेरे में कुछ मान्यताएं हैं इन मान्यताओं को हमने वेरीफाई नहीं किया है इनको सही मान लिया है समझ के साथ उसको एवेल्युएट नहीं किया है तो सही मान लिया इसलिए अपने में बनी है और सही मान लिया इसलिए निर्णय में ये डोमिनेट कर जाती हैं तो यहाँ से अब प्रश्न ये बनता है कि अगर मान्यताओं के अभाव में हो जा रहे हैं तो मान्यताओं को फिर सही से एवेल्युएट करना जरूरी है तो इवेल्युएट किस रेफरेंस में करेंगे तो हमारा ये ध्यान जाता है कि सही के साथ ही एवेल्यूएशन हो सकता है इसलिए सही को समझना न, अब मेरी आव, आवश्यकता बन गया है तो ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही का समझ होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव का भाव विचार का निर्णय करना अब आवश्यक बात है चाहे बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो अब सही को समझना है ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है तो सही को समझना है सही को है ना मेरी आवश्यकता है समझना यह आवश्यकता बन गया है इसलिए अब मैं इस पर ध्यान देना चालू करूंगा तो जब मैं ध्यान दे रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सही समझ को देखने जाएंगे तो संबंध व्यवस्था और सस्तित्व इस पर ध्यान देना पड़ेगा इस पर जब ध्यान देते हैं तो हमारी मान्यताएं जो हमारे में गहरे संस्कार है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट होंगे संबंध व्यवस्था और के अर्थ इसके साथ हम लोग इस होमवर्क को कर रहे हैं कि अपने से बार बार पूछें कि अभी जो हम निर्णय ले रहे हैं चाहे सही चाहे सही नहीं चाहे मैं उस निर्णय से कंफर्टेबल हूं चाहे नहीं दोनों ही स्थिति में मैं अपने से पूछ रहा हूं कि इन भावों के निर्णय का आधार क्या है समझ है या मान्यता है तो इससे हमें दिखेगी कि अब शास्त्र व्यवस्था और संबंध इसको समझने की आवश्यकता है ये हमें आवश्यकता के रूप में दिखेगा और यह आवश्यकता के रूप में दिखेगा तो हमारा ध्यान जाएगा ने? तो इसलिए अब स्टेप सिक्स में देखेंगे तो हम अपने से पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव सहज है जाए? हम किन भाव की निरंतरता चाहते हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं से पूछ रहे हैं संघर्ष का। तो जब हम अपने से पूछेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि संबंध का भाव सह स्वीकार व्यवस्था तो का भाव सही स्वीकार है शास्त्रित्व का भाव सह स्वीकार है इसलिए यह भाव सहज है जा? और हम इसकी निरंतरता भी चाहते हैं तो जब ये दिखेगा तो संबंध व्यवस्था और शास्त्रित्व इस पर हम ध्यान देने लगेंगे जब इस पर ध्यान देने लगेंगे तो बाकी चीजें कल्पनाशीलता में होने लगेंगे तो ध्यान देने की वस्तु यह है संबंध व्यवस्था शास्त्रित्व इस पर ध्यान देंगे बाकी चीजों का वल्युशन होने लगेगा मान्यताओं का वेल्यूशन होने लगेगा भाव का वल्युशन होने लगेगा भाव स्थिरता की तरफ बढ़ने लगेंगे बाकी चीजें होने लगेंगी ये होने लगेंगी ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब हमारा ध्यान सही जगह बना हुआ है तो सही पर जब ध्यान देंगे सहस्त व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी पर तो बाकी जो अभी हमको बहुत एफर्ट लगा के करना पड़ रहा है कल्पनाशीलता में भी इस में से बहुत सारी चीजें होने लगेंगी और जब वो सहज रूप से होने लगेंगी भाव हमारा भागीदारी के अर्थ में होने लगेगा तो विचार भी उसी अर्थ में जाएगा सिलेक्शन भी उसी अर्थ में जाएगा व्यवहार कार्य भी उसी अर्थ में होगा और बाहर बड़ी व्यवस्था में भागीदारी हमारे लिए एक वैभव के रूप में निकल के आएगा एफर्टलेस भागीदारी इतना फैलाव होगा अगर हम है ना स्टेप सिक्स ए बी तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं तो, तो यहाँ तक हम लोग ने बात की है इस पर अब हम लोग के ऑब्जर्वेशन होंगे तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से हम सबका ग्रोथ तो होता ही है गोपाल भैया नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, नमस्ते जी में जब हम इसको देखते हैं कि जब हमारा भाव बिगड़ता है बिगड़ना शुरू होता है हम सही समझ को के आधार पर हम चलेंगे लेकिन सही समझ के लिए हमको क्या क्या सावधानता बरतना होगा थोड़ा बताएंगे बस इतना सा अच्छा। जी। जी। तो जब हमारे एक जी जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको जी 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 आ रहा है। जी 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 ठीक तो देखिए सावधानी तो इतनी रखने की बात हो रही है कि जब हमारे में कुछ अन्यथा भाव आ गया है तो उसमें रिएक्शन नहीं करना है एक तो ऑलरेडी रिएक्शन हो गया है मान्यता कुछ स्टार्ट हो गया है उससे हमारा भाव बिगड़ गया है तो हम ऑलरेडी रिएक्शन में आ गए इनर रिएक्शन में आ गए अब उस रिएक्शन में जो आ गए हैं इनर रिएक्शन में इसका रिएक्शन नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो गया हाँ। अब जो करने का काम है वो ये देख लेना है कि रिएक्शन चल रहा है मेरे में इसके पीछे भाव क्या चल रहा है संबंध का कि विरोध का भाव के लेवल पर देखेंगे तो सीधे सीधे आंसर मिल जाता है हाँ। अगर विचार के लेवल पर देखने जाएंगे तो बहुत सारा आर्गुमेंट तैयार होने लगता है तो जैसे आप विचार के लेवल पर अपने से पूछेंगे कि ये मेरे में चल रहा है संबंध का विचार चल रहा है कि विरोध का चल रहा है तो बहुत सारा काउंटर आर्गुमेंट क्रिएट होने लगता है दूसरे लोग फिर कल्पनाशीलता में आने लगते हैं तो इसलिए उसके पीछे के भाव पर जाए और अपने से पूछे भाव मेरे में क्या अभी फीलिंग क्या है संबंध की है कि विरोध की है अगर सीधे नहीं देख पा रहे हैं तो अपने से पूछेंगे जो विचार इतना फैल रहा है जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं इसके पीछे जो मेरे में भाव चल रहा होगा वो संबंध का चल रहा होगा या अपोजिशन का चल रहा होगा तो आपको आंसर मिलेगा अपोजिशन का चल रहा है जब ये आंसर मिल रहा है कि अपोजिशन का चल रहा है तो अपने से पूछिए क्या ये भाव मुझे सहज स्वीकार है क्या मैं इसकी कंटिन्यूटी चाहता हूँ फिर आपको आंसर मिलेगा कि भाई सहज स्वीकार तो नहीं है कंटिन्यूटी नहीं चाहता हूँ फिर अपने से पूछिए निर्णय कौन ले रहा है इसको चलाने का डिसीजन किसने लिया है इतना पूछिए है, है ना अब आपको अगर आंसर मिलता है डिसीजन मैंने लिया है तो स्टेप फिर फाइव सिक्स है लेकिन अभी लग रहा है कि डिसीजन तो बाहर वाले का है उसने कुछ किया इसलिए मेरे में हुआ है तो उसको फिर से अपने से पूछिए कि उसने कुछ किया है इसलिए मेरे में ये स्टार्ट हुआ है या मेरे में पहले से ही कोई मान्यता पड़ी है और उसके कहने या करने से ये ट्रिगर हो गई है तो अगर आपको ये आंसर मिल जाए कि नहीं पढ़ा तो मेरे में है इसीलिए मैं ट्रिगर हुआ हूँ तो फिर यहाँ से ये बनेगा स्टेप कि मेरे में ये मान्यता पड़ी हुई है तो मेरे डिसीजन से ही मैंने उसको तो रखा हुआ है कहीं ना कहीं मैंने उसको सही मान लिया था या माना हुआ है तो इसलिए मैंने उसको तो रखा हुआ है तो फिर ये निकल के आएगा डिसीजन मेरा है जब डिसीजन मेरा है तो ये निकल के आएगा फिर हम अपने से पूछेंगे कि ये जो डिसीजन है मान्यता के साथ हुआ है इसको समझ के रेफरेंस में मैं देखूंगा तो जब अपने से पूछूंगा क्या भाव में तुझे सह स्वीकार है ना तो निकल के आएगा संबंध का भाव सह स्वीकार है स्नेह का भाव सह स्वीकार है इसको जब मैं पूछूंगा तो ये जो भाव वाला जो भाग है अन्यथा आ गया ये लूज होने लगेगा तो इतना हमको जाना पड़ेगा अंदर तब जाकर ये भाव वाला जो भाग है ये लूज होगा तो हम अपने से पूछेंगे ये जो भाव चल रहा है ये अस्तित्व के अर्थ में है संबंध के अर्थ में या व्यवस्था के अर्थ में है या अन्यथा कुछ है तो आपको आंसर मिलेगा यह सस्तित्व संबंध और व्यवस्था के अर्थ में तो नहीं है तो फिर आप ध्यान देना शुरू करेंगे संबंध व्यवस्था क्या है कैसे उसके अर्थ में मेरे भाव बनेंगे तो अब आपका ध्यान जो है तो संबंध व्यवस्था पर चला जाएगा एक बार ध्यान इस पर चला जाएगा फिर यह जो अन्यथा स्टार्ट हुआ गया था यह वैल्यूएट होना स्टार्ट होगा तो इतना अगर हम उसमें कर पाएंगे तो इससे धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी लूज होगी नहीं तो देर सवेर क्या होगा उसमें उलझ जाएंगे अगर रिएक्शन देने लगेंगे और उसका विक्टिम हम ही बनने लगेंगे दूसरा तो व्यक्ति तब बनेगा जब हम कुछ व्यवहार करेंगे उसके साथ अन्यथा लेकिन हम अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो उसका व्यक्ति हम ज़्यादा देर तक बनेंगे है ना तो दूसरे से आपको कहना है एक मिनट दो मिनट कह देंगे लेकिन उससे पहले एक घंटे चलाते रहेंगे अपने में तो उसका व्यक्ति हम बनते रहेंगे तो सावधानी के रूप में इतना ही है कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं करना है करने के रूप में इतना है कि स्टेप वन से शुरू करके संबंध व्यवस्था तक जाकर फिर देखना है तब हम उस भाव के नहीं बनेंगे जी भैया जी दी दी। जी दीदी नमस्ते भैया नमस्ते कल पापा आए हैं तो वो टीवी देख रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो लगाया था जिसमें एक यूट्यूबर एक जगह की एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो बारिश चल रही है तो कितना अच्छा जगह है तो मैं किचन से बार बार जाकर देख रही थी और फिर मुझे आया कि वाह अच्छी जगह है मुझे भी जाना चाहिए फिर मुझे लगा कि ये, मैं मतलब मैं अनकंफर्टेबल नहीं हुई रिएक्ट नहीं किया एक बार ऐसे आया कि हम तो सुख का स्रोत अपने में ढूंढ रहे हैं और मैं बाहर ढूंढ रही हूँ फिर भी वो गया नहीं मेरे से मैं एक दो बार चक्कर मार कर आई एक दो बार रुक गई देख लिया और फिर मुझे लगा कि अगर इसको व्यवस्था के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसे वो फैलेगा तो मैंने ऐसे शुरुआत की कि कुछ नहीं दूर नहीं जाएंगे थोड़ा नजदीक ही जाकर आएंगे तो ठीक हो जाएगा उतना ज्यादा पेट्रोल नहीं जाएगा मतलब एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होगा फिर भी वो उतना ठीक से लगा नहीं कम्फर्टेबल नहीं लगा फिर मैंने सोचा और क्या कर सकते हैं तो ऐसे जब अपने आप में वो चलता रहा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज उसमें ऐड करती गई और फिर ऐसे लगा कि अगर मुझे इतना ही नेचर की जगह पसंद है तो मुझे जाकर रह लेना चाहिए और कुछ जो काम अच्छा हो सकता है वो कर लेना चाहिए आ, इतना तक मैं उसको फैला पाई और फिर मतलब वो जो बहुत ऐसे बन रहा था कि जाना ही चाहिए वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया और ये एक बात हुई भैया और दूसरा कि पूरा जब भी ध्यान जा रहा था और जब घर वालों से बाहर जब जो भी इंटरेक्शन हो रहा था बाहर गई तो मुझे ऐसा ध्यान आया मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि मेरा तो ठीक ठाक रिजोल्व हुआ है कि जब भी कोई अदर कास्ट अदर प्लेस अदर रीजन ऐसे किसी भी लोगों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ उनको अपने रिलेटिव के रूप में एक्सेप्ट कर पाती हूँ ऐसा मुझे लग रहा था जो पहले बहुत स्ट्रांग अपोजिशन होता था मुझे लगा कि अपोजिशन चला गया है मतलब अभी ठीक है पर कई बार वो ऐसे ध्यान में आ रहा था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ही रही हूँ कोई ना कोई बात उनकी तरफ से आई तो मैं अपने आप को ऐसे जस्टिफाई कर रही थी हाँ ये वहां से है ना ऐसे तो करेंगे ऐसा करेंगे ऐसे बोल रही थी अपने आप में फिर शाम को एक भैया के साथ इंटरेक्शन हुआ और मुझे ध्यान आया कि मुझ में अपोजिशन बन रहा है फिर मैंने उनको ऐसे बहुत मतलब जोर देकर थैंक यू भैया ऐसे कहा तो तब भी मुझे ध्यान आया कि ये रिएक्शन ही हो रहा है आ, मैं संबंध देख नहीं पा रही हूं मैं बस उसको ऐसे कन्वे कर रही हूं ताकि उनको लगे कि हाँ ये संबंध देख रही है और मुझे भी एक बार का थोड़ा आश्वस्ती हो जाए हाँ दिख गया और तो बहुत सारी जगह पर ध्यान जा रहा था भैया पर ये दो आ, मेजर बातें थी जी जी दीदी बढ़िया है तो देखिए हम ध्यान देंगे ना तो ये तो हमको दिखने ही लगता है कि अभी हम बहुत सारी मान्यताओं के साथ चीज़ों को देखते हैं है ना चीज़ें जैसी हैं जैसी वास्तविकता है हम वैसा नहीं देखते हैं हम जब देखते हैं तो कॉन्शियसनेस तो उसमें इन्वॉल्व रहता ही है देखने में और उस कॉन्शियसनेस में जो मान्यताएं हैं वो भी इन्वॉल्व रहती हैं तो उन मान्यताओं के साथ हम बाहर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो मान्यताएं अगर सही के अर्थ में नहीं है तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो बाहर वस्तु है वो जैसा है वैसा नहीं देख पाते हैं वो मान्यताओं में अगर प्लस माइनस है तो उस बाहर की वास्तविकता को भी हम प्लस माइनस करके देखते हैं इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बार हम इस बात को ध्यान दे पाए कि जब हम चीजों को देख रहे हैं अपने में भी और जब बाहर भी देख रहे हैं तो हम जैसी है वास्तविकता वैसा देख रहे हैं या मान्यताओं के साथ देख रहे हैं तो इसीलिए देखेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में कॉन्शियसनेस में ध्यान देना उसके आशा विचार भाव को ध्यान देना फिर उसके निर्णय का आधार को देख लेना मान्यताओं को देख लेना और फिर सही पर ध्यान चला जाना इतना करना इसीलिए बहुत आवश्यकता है हमारी नहीं तो हर बार हम चीज़ों को मान्यताओं के साथ ही देखते हैं इसीलिए मान्यताओं को सही से इवेल्युएट करना है ना हमारी एक जरूरत है और इवेल्युएट करने के लिए समझना जरूरत है इतना नहीं करेंगे तो हर बार हम तर्क के रूप में तो स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे संबंधी हैं ये भी मानव है ये भी सुख चाहता है ये विचार में तो फैला के हम स्टार्ट करते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली अंदर मान्यता एक्टिवेट हो जाती है और जब निर्णय लेने ले जाते हैं तो मान्यता के अति हो जाते हैं जब सोच रहे होते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं ये भी मानव है हम भी मानव है है ना ये भी सुख की निरंतरता चाहता है हम भी सुख की निरंतरता चाहते हैं ये भी चैतन्य का ही है हम भी चैतन्य का ही है विचार में तो ऐसे ही फैलता है इन प्रस्ताव के साथ में लेकिन जब निर्णय लेने जाते हैं तो निर्णय वो मान्यताओं से होने लगते हैं जो हमारे में डीप बनी हुई है इसीलिए पूरे एक्सरसाइज में देखेंगे कि गहराई से जाकर मान्यता हमारे आधार है निर्णय का इस पर ध्यान चला जाए और फिर ये मान्यता है कि वास्तविकता को नहीं देख पाने के कारण बनी है वो वास्तविकता पर ध्यान चला जाए इसलिए ये एक्सरसाइज को देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है नहीं तो मान्यताओं से ही हम जोड़ के चीजों को भी देखते हैं इसीलिए वो ऐसा होता है जैसा आपके हैं पहले वाले पर अगर हम लोग ध्यान देंगे पहले वाला आपका जो शेयरिंग थी उस पर ध्यान देंगे तो अभी देखिए प्रकृति में एक व्यवस्था बनी हुई है ना प्रकृति में देखेंगे हर इकाई में व्यवस्था है व्यवस्था में भागीदारी कर रही है और व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी करते हैं ये पूरी प्रकृति की संरचना है और पूरा प्रकृति व्यवस्थित होकर और व्यवस्था में भागीदारी होकर नियम पूर्वक चल रही है अब जब हम इस प्रकृति को देख रहे हैं तब तो हम कहा से देखना शुरू कर रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आप बता रही थी कि यूट्यूबर है वो दिखा रहा है तो अगर हम उसके रूप और गुण से है ना यानी कि जो प्रकृति में आपस में इंट्रेक्शन हो रहा है उससे कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो जो क्रियाएं होती हैं वो मेरे कभी अनुकूल होंगी कभी नहीं होगी तो पानी बरसना जैसे एक क्रिया घटना है कभी मेरे अनुकूल होगा कभी नहीं होगा अब मेरा इस पर ध्यान है उससे जो वातावरण बन रहा है वो मेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल है इस पर ध्यान है या उससे सूक्ष्म देखेंगे तो एक व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के तहत ये सब हो रहा है उस व्यवस्था पे ध्यान बना रहेगा तो हम जहाँ भी हैं वो प्रकृति के साथ ही हैं अभी भी तो जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि वहां चले जाए प्रकृति के साथ रह लें तो हम ऑलरेडी प्रकृति में प्रकृति से निकल के दूसरी प्रकृति में क्या जाएंगे अभी भी जहाँ पर हैं हम प्रकृति के साथी हैं आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे वहां भी प्रकृति के साथ ही रहेंगे हम प्रकृति में ही इंटरकनेक्टेड हैं इंडिविजुअल है अभी हम प्रकृति को अलग से देखते हैं और अपने को अलग से देखते हैं हमको लगता है हमें प्रकृति में जाना है प्रकृति के साथ रहना है जबकि देखेंगे तो हम प्रकृति के साथ ही रह रहे हैं ना? है ना प्रकृति में चारों अवस्थाएं हैं उसमें से मानव भी एक अवस्था है और चारों लोग इंटरकनेक्टेडनेस के साथ ही रह रहे हैं तो हम हर समय प्रकृति के साथ ही हैं लेकिन उसमें जो ये सेंस आता है ना कि हम वहां चले जाएं माउंट आबू चले जाए इधर चले जाए उधर चले जाए तो बेसिकली वो हमको थोड़े दिन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाए हमको लगता है ये जो वातावरण है ये मेरे अनुकूल कम है वो मिल जाएगा ज्यादा अनुकूल हो जाएगा इसलिए हमारे अंदर वो क्रेविंग आने लगती है अदरवाइज देखेंगे तो हम प्रकृति का ही अभिन्न हिस्सा है हम प्रकृति के साथ हैं हर समय प्रकृति के साथ हूँ तो इतना ध्यान बना रहेगा तो फिर ये जो बार बार शिफ्टिंग होती है इधर से उधर की है और फिर हम जाएंगे भी तो निर्णय लेकर जाएंगे अवेयरनेस के साथ जाएंगे नहीं तो वो अनुकूल वातावरण हमको क्रेविंग क्रिएट कर देता है तो वो बेसिकली वो सेंसुअल प्लेजर्स हमको क्रेविंग कर देते हैं जी 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 बताइए इतना ठीक है या और इसमें कुछ आगे बढ़ाए जी भैया ये ठीक है कि मेरा वो व्यवस्था से शुरुआत नहीं होती है जनरली वो फॉर्म एंड है जी सही बात है देखिए व्यवस्था पे ध्यान नहीं होगा तो जहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर बाद हम बोर तो हो ही जाएंगे क्योंकि सुख का जो सोर्स है हमारे वो तो शासित व्यवस्था संबंध संबंध में भागीदारी यहीं से ही बनेगा अभी लोग गर्मियों में जाते हैं यहाँ से हम तो दिल्ली में रह रहे हैं लगभग पूरा देहरादून ऋषिकेश भर जाता है गर्मियों में जाकर और थोड़े दिन बाद बोर होने लगते हैं लोग लोगों को लगता है फिर वापस वहीं चलो बहुत हो गया अब लोगों को लगता है वहां जाके लोगों को लगता है ना यहाँ मॉल है ना कुछ है ना कितनी देर बैठेंगे गंगा किनारे कितनी देर पहाड़ों पर रहेंगे फिर क्रेविंग होती है फिर दिल्ली वापस भागाते हैं या तो मौसम की क्रेविंग होती है वातावरण की क्रेविंग होती है इधर उधर लोग भागते ही रहते हैं तो वहां भी जा रहे हैं तो कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं है व्यवस्था तो पूर्वक इतना बना हुआ है प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है मेरी भागीदारी क्या होगी उस अर्थ में नहीं जा रहे हैं वो तो वातावरण में जो अनुकूलता से जो सुख मिलने वाला है उसकी आशा में लोग शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट तो होते हैं आशा में लेकिन थोड़े समय बाद लोग परेशान होने लगते हैं कि हो गए तीन चार दिन अब चला जाए हफ्ते भर दस दिन पंद्रह दिन अब वापस चलते हैं तो लोग व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नहीं देख पाते हैं। उसको भोगने के लिए इधर उधर शक्ति होती रहती है ज्यादातर समय जी जी बढ़िया ठीक है, थीक है। थीक थीक तो एक दो लोगों के और हैंड रेज है उनको भी ले लेते हैं नमस्ते भैया मेरी आवाज आ रही है जी जी तो आ, जी आ रही भैया मैं अभी पिछले कुछ दिनों का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो भी रख देती हूँ और उसमें जहाँ जहाँ मुझे समस्याएं आ रही हैं मैं चाहूंगी कि आप उसके लिए मुझे कुछ समाधान स्वरूप रख दें पहली बात तो ये कि जब से आपने ये कहा है कि अपने भाव को देखना है और ना सिर्फ उस समय देखना है जब विरोध के भाव है, बल्कि तब भी देखना है जब अनुकूल स्थिति है जब मेरे अंदर स्नेह का भाव है संबंध का भाव है जब मैं आराम की स्थिति में हूं तो तब से मैं वाकई में आराम की स्थिति में हूं क्योंकि पहले काफी समय तक तो ऐसा ही हो रहा था कि मैं जहां विरोध का भाव था संबंध का भाव नहीं था मेरा पूरा फोकस उसी पे था और मुझे लगता था कि मुझे यहीं पे इसको ठीक करना है तो वो एक जिद सवार थी कि ये ठीक करना है ये ठीक करना है और फिर जैसा कि मैंने पहले भी शेयरिंग में कहा था कि फिर वो विचारों में फैल जाता है और फिर फिर तो ऐसा फैलता है कि फिर उसको समेटना ही मुश्किल हो जाता है लेकिन आ, उसके उसमें भी धीरे धीरे जब ये हुआ कि उसका कुछ करना नहीं है उसको सिर्फ देखना है तो अभी भी जैसे ही मतलब होता यही है कि जैसे ही भाव दिखता है विरोध दिखता है तो तुरंत विचारों में जाने लगता है लेकिन अब विचारों में जैसे ही जाने लगता है क्योंकि सजगता थोड़ी बढ़ी है तो फिर मैं उसको वहीं पे चेक कर लेती हूँ कि हाँ ये विचारों में जाने लगा है और मुझे अभी सिर्फ इसको देखना है और इसका मूल्यांकन करना है तो काफी हद तक वो कर पा रही हूँ लेकिन इस चीज में ये भूल ही रही थी कि जहाँ मेरे मेरे अंदर संबंध के भाव है स्नेह का भाव है किसी के लिए तो वो देख ही नहीं पा रही थी पूरे टाइम उसी में ही उलझी रहती थी और ये बात आज जो आपने कही ये बहुत अच्छी कही कि जहां अनुकूल होता है तो पहले तो लगता था अनुकूल है तो उसका आराम की स्थिति में है उसको जांचने की क्या जरूरत है वहां तो भाव है ही लेकिन आज आपने बताया कि जहां पे अनुकूल स्थिति मिलती है तो वहां फिर हम आ, मतलब बाहर आ, चले जाते हैं वहां फिर अब हम अपने अंतर नियोजन नहीं होता है बल्कि उस उस परिस्थिति का हम आस्वादन करने लगते हैं बाहर की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं ये चीज एक तो आज मुझे बहुत क्लिक की दूसरा ये जो अपने अंदर स्नेह का भाव और ये सब देखने का जो अभ्यास किया तो उसमें एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमारे घर में एक बच्चा है क्लोज रिलेशन में है बचपन से ही उसकी कुछ ऐसी आदतें रही या कुछ कह लीजिए कि सभी उसको बहुत ज्यादा डांटते थे और डिसलाइक करते थे और ऐसे करते करते वो अब कॉलेज में आ गया और अब उसकी की ये स्थिति है कि वो बिल्कुल अकेला रहता है किसी के पास भी वो इन्वॉल्व नहीं होता है जहां हम सब परिवार के सदस्य बैठे होंगे वो वहां पे नहीं होगा तो आ, मुझे कुछ समय से उसकी ये चीज दिखाई देने लग गई दे थी और मुझे ये महसूस भी होने लगा था कि वो आ, बहुत ज्यादा परेशानी में होगा क्योंकि वो सभी के द्वारा आ, उसको आ, मतलब नकारा गया है और आ, मतलब सभी उसको डांटते रहते हैं और कभी किसी से उसको अपनत्व या अपनेपन का या जो भाव मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले तो इस बार मैंने मेरे बेटे के सामने उसके आ, मम्मी के सामने आ, उससे बात करने की कोशिश की तो शुरू शुरू में तो वो बहुत सकपकाया क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी कोई इस तरह भी मतलब उससे बात कर सकता है तो उसके जो आंसर आ रहे थे Uh, मतलब मैं uh, देख रही थी कि मैं उसको अंदर ही अंदर अः uh, वो कर रही हूँ uh, जज कर रही हूँ कि ये कैसे जवाब दे रहा है क्या कर रहा है इसके अंदर क्या चल रहा है ये सारी चीजें वो तो अभी मैं नहीं बताऊंगी लेकिन धीरे uh, धीरे ये हुआ बात करने से वो धीरे धीरे वो खुल पाया और उसका और मेरा एक कनेक्शन हुआ फिर उसकी मम्मी भी uh, साथ में आ गई उन्होंने भी कुछ इनपुट दिया फिर मेरा बेटा भी आ गया हमने भी कुछ इनपुट दिया और फिर हम उसको ये कन्विंस uh, कर पाए नहीं कहना चाहिए हम उसको ये बता पाए कि उसके लिए हमारे अंदर uh, जो uh, संबंध का भाव है स्नेह का भाव है अपने भाव उस तक पहुंचा पाए और हम मतलब मैंने तो ये गलती स्वीकार की कि तू तो बच्चा था अः uh, Uh, इसलिए अनजाने में वो सब कर रहा था जो कि हमें अनॉय करता था लेकिन हमने भी कहा समझदारी की हम तुझसे भी ज्यादा बच्चे या कहना चाहिए कि ना समझ निकले कि तेरी जैसी जैसी हरकतें थी उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते चले गए कि तूने ऐसा नहीं किया तूने ऐसा नहीं किया तो मैंने ये जिम्मेदारी ली कि आज के बाद में मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूंगी और आज से हम कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें बैठ सकें तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला वो काफी आ, मतलब मेरे और उसके बीच में जो एक संबंध थे वो मतलब उसके मतलब चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना वही जो मेरे सामने आने पर उसका होता था और मेरा उसके सामने जाने पर होता था वो पूरा मेरे अंदर तो मैं भाव को देख पा रही थी पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही मैं जज कर पाई कि वहां पे काफी आरामदायक स्थिति बनी कल मैंने उसको यूएचवी के बारे में बताया और आ, मैं चाहती थी कि कल से जो हिंदी का सेशन शुरू होने वाला है वो उसे अटेंड कर ले लेकिन मेरी बात हुई तो पता चला कि यूथ के लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग यूएच सेशंस होते हैं तो उसमें उसको एनरोल करना है इस वाले में नहीं करना है तो ये मैंने उसको बता दिया कि जब भी होगा तुझे ये करना है तो उसने मुझे पूछा कि क्या होता है इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत इसको बताया तो एक तो ये एक्सपीरियंस भैया मेरा बहुत अच्छा रहा दूसरा मैं अभी यहाँ भीलवाड़ा में एक ऑफलाइन यूएचवी प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैं गई दो दिन ही गई तो वहां जाके मैंने देखा कि जब किसी की शेयरिंग होती है और लोग अपनी मान्यता के अनुसार कोई कोई जब ज्ञान देने लगता है ना तो वो मुझे बहुत ज्यादा अस्वीकृत होता है वहां पे मैं बहुत ज्यादा असहज होती हूँ और मेरे अंदर विरोध के भाव आते हैं और इन जनरल भी कोई कह रहा हो या फिर जहां मुझे जैसे मैंने अगर कुछ पूछा है तो उसके बा, बारे में मुझे कोई आ, अलग से कोई व्यक्ति समझाता है जहां मेरी स्वीकृति नहीं है जहां मैंने पूछा नहीं है वहां पे अगर कोई मुझे ये कहता है और मैं देख पाती हूँ ज्यादातर जो चीजें हैं वो समझ के बेसिस पे नहीं वो मान्यता के बेसिस पे आ रही हैं तो मैं वहां पे असहज हो जाती हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता है तो इतना तक मैं अपने आप में ऑब्जर्व कर पाई हूँ भैया तो इसमें आ, मतलब ये बहुत सारी जगह दिखता है कि कहाँ कहाँ मैं अपनी मान्यताओं में अटकी हूँ और आ, आ, मतलब कहाँ-कहाँ मैं सहज रूप से स्नेह के भाव से प्रस्तुत हो पा रही हूँ और बहुत बहुत सारी जगह बहुत बहुत जगह मान्यताएं देख रही हूँ सूक्ष्म से सूक्ष्म कहाँ अः मतलब जैसे भोजन जो है अभी मेरा आ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो बहुत ज्यादा लेकिन उसमें भी मैं ना कभी-कभी अच्छा चाय के दो ही तो लू अच्छा इतना सा तो ही सारी चीजें मेरे अंदर चल रही हैं तो भैया अभी ऐसा ऑब्जरवेशन चल रहा है तो आप इस बारे में और क्या मुझे गाइडेंस देना चाहेंगे तो ये मैंने आपके सामने रखा जी भैया तो हम सबके साथ अभी अच्छी बात हो रही है कि हम लोग का ध्यान है ना डे बाई डे गहरा होता जा रहा है और हम लोग इस बात को बार बार देख पाते कि हमारी कोई ना कोई मान्यता के तहत हम निर्णय लेने लगते हैं तो जितने लोग भी शेयरिंग कर रहे हैं उन सबके साथ ये हम सब लोग देख पा रहे हैं और यही एक महत्वपूर्ण बात है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए और जितना हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमको और दिखेगा और भी सूक्ष्म मान्यताएं अभी तो बहुत गहरी में हो सकता है अभी सारी न ब्लैक्ट हो रही हो लेकिन जैसी कोई परिस्थिति आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी तो ध्यान देने की प्रक्रिया में हम बने रहेंगे इस प्रोसेस में बने रहेंगे तो जब भी वो एक्टिवेट होगा फिर हम हमारा ध्यान चला जाएगा देखो ये भी एक पड़ा हुआ है कुछ है ना तो अंदर की सफाई हो रही है धीरे धीरे है ना अगर सफाई भी नहीं हो रही है तो, तो कम से कम ये तो ध्यान जाए रहा है कि कूड़ा अंदर भी पड़ा हुआ है तो एक बार ध्यान जाने लगे कूड़ा अंदर पड़ा हुआ है तो फिर हम सफाई करेंगे और करेंगे क्या फिर अभी तक तो उसे कूड़ा नहीं मान रहे थे तो संभाल के रखे हुए थे अब दिखने लगे भाई मेरे निर्णय के आधार में तो यही एक्टिवेट हो जाता है और चाहना मेरी सुख पूर्वक जीने की है परेशानी हो जाती है तो एक बार इतना भी ध्यान चला जाए तो उसकी सफाई करना तो हमारी आवश्यकता के रूप में निकल के आएगा ही तो ये कब बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बहुत सामान्य घटनाओं में भी चीज़ों को देख रहे हैं और स्पेशली जब हम शरीर बीमार होता है है ना और बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है तो ये तो बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है अपने को देखने का क्योंकि तो बहुत सारा जो अंदर आस्वादन मान्यता सब बना रहता है ना ये छटपटाता है एकदम से तो उसको देख लेना का तो एक अच्छा ही समय है मैं ये कहूंगा अदरवाइज हम बाहर इंडल हो जाते हैं कहीं ना कहीं तो जब अकेले होते हैं तो बहुत सारा चीजें निकल निकल के आती हैं तो उस पर ध्यान अगर ध्यान देने की प्रक्रिया में अगर हम है तो उसको देखना शुरू कर सकते हैं दोनों बातों को मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ जी तो पहली वाली जो बात है तो प्रोसेस के रूप में देखेंगे तो सही है आपका ध्यान जाहिर आया और जो आप कहना चाह रही हैं उसको मैं अपनी भाषा में रख देता हूँ तो हो सकता है ध्यान और चला जाए बाकी सबका भी तो देखिए अभी किसी एक बच्चे के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और हम ये तय कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं स्नेह का ही भाव रखूंगा रखूँगा संबंध का ही भाव रखूंगा तो जैसे हम ये बोलते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसको भी यही सहज स्वीकार है स्नेह का भाव संबंध का भाव और उसके वातावरण में जो लोग हैं उसमें इसकी निश्चितता बनी रहे भावों की ऐसा हमको सहज रूप में दिखता है चाहना बना रहता है है ना? तो मैं स्नेह के भाव से संबंध के भाव से जीव ये हमारी चाहना में बना रहता है और बाहर भी लोग ऐसा ही करें ये हमारी आशा में भी बना रहता है तो बच्चे के रेफरेंस से देखेंगे जब हम मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ स्नेह के भाव से रहूंगा है ना तुम्हारे रिएक्शन नहीं करूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा तो उसको अपना आशा पूरा हुआ दिखता है इसलिए वो कंफर्टेबल हो जाता है लेकिन धीरे धीरे हमको अब यहाँ पहुंचना है कि तुम्हारे साथ इंट्रैक्शन करना है इसलिए मैं स्नेह इस के भाव में आऊंगा ऐसा नहीं है मुझे स्नेह का भाव सह स्वीकार है चाहे तुम्हारे साथ हूँ चाहे किसी के साथ भी हूँ मैं स्नेह के भाव के साथ ही शुरू करूंगा क्योंकि यही मुझे सह स्वीकार है तो उसमें क्या होगा कि हम ओपन हो जाएंगे और बच्चे का भी ध्यान जाएगा कि इनको देखो स्नेह का बहुत सह स्वीकार है सबके लिए ये हमको भी सहज स्वीकार है उसका भी ध्यान जाने की संभावना बनेगी है ना तो हमको सहज भाव स्वीकार है स्नेह का इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ स्नेह के भाव के साथ ही करूंगी और क्योंकि सहज स्वीकार है तो मैं तो हर किसी के साथ स्नेह के भाव के साथ ही रहूंगी यही मुझे भाव है जो जिसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ यही भाव है जो मुझे सहज स्वीकार है यही भाव है जो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है इतने के साथ अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम बाकी लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे नहीं तो क्या होगा उस बच्चे के लिए एक तरह का व्यवहार होने लगेगा और उसके पेरेंट्स या आसपास के वो लोग आएंगे जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है उनके लिए हम कंप्लेन करने लगेंगे आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी स्टार्ट हो सकता है अपने अंदर तो वो तुम्हारे साथ की जगह हर एक के साथ मुझे यही भाव ही रखना है क्योंकि यही मुझे सहज स्वीकार है इसी में मैं कंफर्टेबल होता हूँ यही मेरा स्वभाव है तो इस बात को जब अपने से रखेंगे तो अपने में ओपननेस बढ़ेगी और लोगों के लिए भी हम ओपन हो जाएंगे और फिर वो उसके साथ जब हम व्यवहार करेंगे इस ओपननेस के साथ इस बड़े भाव के साथ तो वो बच्चे भी देख पाएगा ये मेरे साथ ही स्नेह का भाव नहीं हर किसी के साथ स्नेह का भाव के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं तो उसके लिए एक प्रेरणा बनेगी कि हमारे अराउंड एक ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ स्नेह के भाव के साथ चलता है ये प्रेरणा उसमें आ जाए और ये विश्वास उसमें आ जाए कि मैं भी सबके साथ स्नेह के भाव के साथ चल सकता हूँ मेरे में भी ये पोटेंशियल है जब सामने आंटी में है तो इतना उसका ध्यान चला जाएगा तो हम लोग का काम हो गया अपने लिए भी हो गया और दूसरे का जो ध्यान जाना था मेरे व्यवहार से भले हम उसको शब्दों में ना बताएं लेकिन मेरे व्यवहार से जो ध्यान जाना था उसका चला जाएगा तो दोनों के लिए सुखदाई हो जाएगा दोनों के लिए एक ओपन हो जाएगा पूरा है ना वर्ल्ड ही ओपन हो जाएगा बताइए पहली बात पे मेरा ये रिस्पॉन्स है इतना आपको ठीक लग रहा है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल भैया हाँ जी मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल जी जी तो एक फिर ये बात हो दूसरी बात देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी मान्यता के तहत हमसे कुछ कह रहा है तो उसमें देखिए क्या है कि व्यक्ति हमको समझाने के लिए कुछ कह रहा है ना और हमको ये क्लियर हो गया है कि ये अभी जो कह रहा है ये अपनी मान्यता के तहत ही कह रहा है क्योंकि इसका अभी सही पर ध्यान गया नहीं है ना शास्त्रित्व ना पर है ना संबंध पर है ना भागीदारी पर है व्यवस्था पर है तो जितना भी इसने सही मान लिया है कि ये सही है उतना तो हमसे शेयर कर ही रहा है कम से कम है ना भाई कोई कहाँ से शुरू करेगा जितना उसने सही मान रखा वहीं से शुरू करेगा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाव के रूप में देखेंगे तो हमको गाइड ही करना चाहता है कंटेंट के रूप में देखेंगे हो सकता है कम पड़ गया क्योंकि उसका खुद भी ध्यान नहीं है तो जैसे अभी देखेंगे ना बच्चे बच्चों को जब हम टेक्निकली गाइड करने जाते हैं एज ए पेरेंट्स तो हम कुछ बता रहे होते हैं हम कम पड़ जाते हैं क्योंकि हमको इतना एक्सपोजर नहीं है अभी बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर हो गया है स्टडीज से रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेकिन बच्चे का ध्यान इस पे चला जाए कि मम्मी पापा वात्सल्य के भाव से गाइडेंस के भाव से शेयर कर रहे हैं शेयरिंग में कंटेंट कम पड़ गया क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं है तो वो हमसे इरिटेट नहीं होगा क्योंकि वो भाव पर ध्यान दे रहा है है ना इसी तरह जब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कर रहा है तो हमको ये दिखेगा कि इस शेयरिंग कर रहा है हमको गाइड करना चाहता है वो के भाव है इसमें लेकिन कंटेंट कम पड़ गया है क्योंकि जो सही है इस पर भी ध्यान नहीं किया है तो ये अगर हम ध्यान देंगे तो हमें जो इरिटेशन है वो नहीं आएगा तो हम उसको पूरा सुन भी पाएंगे और उसका ध्यान दिलाने का स्कोप होगा तो बताएंगे नहीं तो क्या सुन सुन सकते ही हैं। तो सुनते समय ये भी वैल्यूएशन हो जाएगा कि ये कितना सही के अर्थ में भी व्यक्ति देख पाया है और मैं कितना सही के अर्थ में देख पाया हूँ क्योंकि मेरे में अगर रिएक्शन आ रहा है तो सही के अर्थ में तो मुझे भी देखना बाकी है कोई तो मान्यता मेरे अंदर भी चल गई है hmm. तो इतनेक्ट से जब हम देखेंगे ना चीजों को तो हम दूसरे से परेशान नहीं हुए जी भैया तो होता यह है कि जहां अटकते हैं ना दिखता है तो अभी जैसे सेशन में कह, कह लीजिए या मतलब तो मॉर्निंग सेशन में या किसी और शिविर में बार बार इस बात पे ध्यान दिलाते हैं किसी किसी के सवाल होते हैं तो हर बार हर एक की जो शेयरिंग होती है उससे एक पता चलता है कि अच्छा हाँ मैं भी यहाँ अटक रही थी तो वहां निकलते हैं उस एक बात के साथ में जगह जहाँ और अटके हुए होते हैं वहां से और निकल जाते हैं लेकिन भैया कितनी मान्यताएं हैं और मतलब मुझे लगता है कि हर कदम हर पद हर पल जो हमारा जीने का होता है वो तो मान्यताओं से ही होता है और मतलब कितनी सजगता रखें उसके बीच में पता नहीं ये कब मान्यता मतलब पता भी नहीं चलता है कहाँ स्लिप हो जाते हैं आ, कि ये मान्यता आ जाती है इवन ये होता है कि जब आप आ, कोई sentence कहरे होते हैं जो मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त बात कही है तो मतलब मैं उस वक्त सांस रोक लेती हूँ और मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को मैं कैप्चर करके रख दू कि ये चीज जो है ना मुझे में हमेशा परमानेंट बन के रह जाए और वो मतलब मैं इतनी ज्यादा उसके लिए वो हो जाती हूँ ना और वो पता नहीं कब फिसल जाता है भैया पता ही नहीं लगता है कि कहाँ चला गया और फिर मैं उस सेंटेंस को कितना भी याद करने की कोशिश कर लू एक सीख के रूप में जो मैंने उस उस चीज से जो ग्रहण किया वो शायद अंदर रहता होगा लेकिन वो जो उस समय जो वो क्लिक होता है ना वो मोमेंट वो मोमेंट चला जाता है भैया उस मोमेंट का जो किक होता है वो चला जाता है तो फिर उसकी भी है ना बड़ी तकलीफ सी होती कि वो क्यों मुझसे छूट के चला गया मतलब जहां जहां मुझे ऐसा लगता है ना ये बहुत गजब बात है ये अल्टीमेट है मतलब अगर इसको पकड़ के मैंने रख लिया तो और ये चीज मेरे दिमाग में अगर अ, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में या उसमें अ, रही परमानेंट तो फिर अ, मतलब बहुत सही हो जाना है लेकिन वो फिर फिसल जाता है भैया देखिये मतलब हम सभी लोग उसी यात्रा से निकल रहे हैं है है ना तो बात यह की हमारा ध्यान जारी लगा है, तो हमको ये ध्यान आ गया थोड़ी देर पहले तो भाव अच्छा ही था है ना और अच्छा रहे इसका पोटेंशियल तो हमें है ही तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास गहरा होगा तो वो क्षण की निरंतरता भी हो पाएंगे मतलब वो क्षण जो भाव बनता है उसकी निरंतरता भी हो पाएगी तो ये तो एक यात्रा है ही नहीं हम सब लोग उससे निकल रहे हैं स्लिप होते हैं फिर सीखते हैं फिर स्लिप होते हैं फिर सीखते हैं फिर ध्यान जाता है महत्वपूर्ण बात यह है हम प्रक्रिया को पकड़ के रखें प्रोसेस को पकड़ के रखें क्षण को पकड़ के ना रखें प्रोसेस को पकड़ के रखें प्रोसेस को पकड़ेंगे तो ये क्षणों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी जी जी तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रोसेस ध्यान देने का जो प्रोसेस है उसको पकड़ लें ये छड़ धीरे-धीरे बनते जाएंगे हम्म जी भैया जी भैया थैंक यू सो मच चलिए अच्छी बात है बहुत बात अच्छा लगता है जब आप ये एक्सप्लेन करते हैं मतलब हर दिन ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है और हर दिन ध्यान बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन मिल जाता है एक तरीका मिल जाता है एक आ, कहना चाहिए कि एक सहज आ, तरीका मतलब तो बहुत सहजता के साथ आ, जैसे उस प्रोसेस को कर पाए हर रोज एक 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 एक, एक चीज ऐड होती जाती है थैंक यू भैया सही बात और आप लोग की जब शेयरिंग सुनते हैं प्रश्न आप लोग रखते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं इनसे। है ना तो म्यूचुअल ग्रोथ सबका हो रहा है इसमें ये एक अच्छी बात है तो मुझे भी लगता है कि हर दिन जब ऑब्जर्वेशन सुनते हैं तो मेरा भी ध्यान और और गहराई से जाता है कि ये हमको और देखना है कि हमको देखना तो यही वे है हम सब लोग को एक्सप्लोर है म्यूचुअल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं सबसे सुन रहे हैं इंट्रैक्शन कर रहे हैं ध्यान जा रहा है प्रोसेस भी हमको मिल गया है तो जितना हम इसको पकड़े रहेंगे इस प्रोसेस को उतना उतना हम सबका ध्यान गहराई से जा जी भैया, जी भैया धन्यवाद बहुत-बहुत ठीक जी जी भैया नमस्ते भीया। नमस्ते भैया आवाज ठीक से आ रही है जी जी, जी, आ रही जी आ रही है आ रही है भैया बहुत ही सही सेशन चल रहा है बस इतना ही कहना था कि ये जो भी कार्य आप हमें दे रहे हैं एक्सरसाइजस उससे हम डेली अब मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं कि इतने तीन चार चौथा सेशन है ये 7 8 9 10 लेकिन हर रोज जो दीदी बोल रही थी बहुत ही सही मेंट हो रही है लेकिन एक बात मुझे इतना ही बोलना है कि हमें हमेशा सभी के साथ संबंध देखना है संबंध व्यवहार मतलब वो जो सही समझ सही संबंध और सही व्यवहार तो ये अपने आप होने लगता है जैसा जैसा दूसरे के प्रति गलत भाव आता ही नहीं है आजकल ये मैं देख रहा हूँ क्या भैया ये ठीक है बिल्कुल नहीं आ रहा एकदम अच्छा क्या लग रहा है दिल्ली भी बात कर रही आप भी बता कर यानी ऐसा लग रहा है ठीक है भैया जी और क्या भैया नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है <laughs> वो, वो मेरा शुरू से ही चल रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ गलत भाव कब आता है कब आता है अभी भी इंग्लिश में कुमार भैया से कुछ शेयर किया था ठीक है बहुत ही बढ़िया नमस्ते नमस्ते सभी को धन्यवाद थैंक यू थेंक यू थैंक यूक यूं नमस्ते ठीक है हम लोग का टाइम भी हो गया है तो हम लोग यही रोक लेते हैं और इस प्रोसेस को पकड़े रहना है है ना प्रोसेस पे ध्यान बनाए रखना है इस पर अगर ध्यान बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीजें होने लगेंगी जैसे दीदी भी कह रही हैं कि बहुत सारे क्षण ऐसे आ जाते हैं कि हमको लगता है आज कुछ है ना ठीक गया है भैया भी कह रहे हैं कि बहुत समय तो लगता ही नहीं कुछ अन्यथा भी आ रहा है तो बहुत सारी चीजें होने लगेंगी अगर हम इस प्रक्रिया पर ध्यान बनाए रखेंगे तो तो हमको स्टेप बाय स्टेप स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना हर स्टेप को उसी तरह से लेना जिस तरह से हम लोग के यहाँ देखने की कोशिश कर रहा है तो इतना हम लोग बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारी चीजें घटित होने लगेंगी जिससे हम कंफर्टेबल होंगे डे बाई डे ठीक है तो सभी को नमस्ते जी दीदी 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 -दी, दी -दी -दी, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जी बहुत धन्यवाद भैया हम सभी का बार बार प्रोसेस की तरफ ध्यान दिलाने के लिए और सभी को एक्सप्लोरर्स का भी धन्यवाद शेयरिंग्स और क्वेश्चन से हमारा और ठीक से ध्यान जा रहा है